ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਬਾਨੀ ਟ੍ਰੀ ਹੈਗਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਣਗੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਕੋ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਤੇ ਠੋਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ हां जी गाइस आज लेके हाजिर होया एक बढ़िया जी वीडियो ते वीडियो स्टार्ट करन तो पहला दसिए कि ए वीडियो हैगी एक्सक्लूसिव यानी कि हसबे हाल तो साडे अपने प्यारे पसंदीदार पंजाब दी शान नवजोत सिंह सिद्धू जी दे कैरेक्टर नु प्ले करदे होए ते वीडियो नु करदे आ स्टार्ट लेने आ मजे ठोकदे आ तालियां ते तुसी ठोकियो अगे कमेंट लाइक ते करदे आ वीडियो नु शुरू मिलदे आ उस पार नाज़रीन आज हमारी महफिल में मौजूद है आजकल हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया पर यकसां डिस्कस होने वाले हिंदुस्तानी क्रिकेटर टीवी स्टार और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कला में नर्म नाजिक बेअसर। सिद्धू भाजी का मतलब भी दस दो सानू। इधरों रस्ता बंद है भाजी, उठ के दूर हो। इस तरह का आदमी रक्षे पे बैठ के रक्षे वाले से पूछ रहा होता है मैंने किधर जाना है भाई। ठोको ताली, ठोको ताली। फूल की खुशबू की तरह होती है मोहब्बत। नायक साहब, जिस तरह की मोहब्बतें पाकिस्तानियों ने दी है, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान का और फिर करूंगा अपने यार इमरान खान का, जिसने हमारी उस ख्वाहिश को पूरा किया है जो हमारे पुरखों से चली आ रही थी। ठंड डाल दी है सारी सिख बरादरी, सारी सिख बरादरी मशकूर है इमरान खान की। जुनैद साहब, कॉन्टैक्ट बिल्ड अप फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम माइंड, और हमने दिल से दिल जोड़ दिए। हमने पाकिस्तानियों की मोहब्बत देख के अपने दिल उनके साथ जोड़ दिए। हमारे तो बाबा जी गुरु नानक सरकार भी हमें जोड़ने का ही मैसेज देती है। बाबा जी गुरु नानक सरकार फरमाती है, नानक ऐसी प्रीत कर जैसी जुलाहे की रीत, उस तोड़न नाल विहार नाही उस जोड़न नाल प्रीत। हमारे बाबा जी गुरु नानक सरकार ने भी दिल जोड़ने का पैगाम हमें दिया है और हम भी दिल जोड़ने के लिए आए हैं, और पाकिस्तानियों ने भी कमाल कर दिया है, बद के हमारे साथ उन्होंने मोहब्बत की है। और एक बात आपको और बता दूं, जो मोहब्बत होती है ये खुशबू की तरह होती है, जिस तरह खुशबू को कोई पाबंद नहीं कर सकता, कैद नहीं कर सकता, इसी तरह मोहब्बत को भी ना कोई कैद कर सकता है ना कोई उसे पाबंद कर सकता है। ठोको ताड़ी, फॉरगेट द पास्ट प्रॉब्लम, लुक फॉरवर्ड। बुझने लग जाए शमे तो फिर से जला दी जाए, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाए। बेहुनर लोग कहां, हर्फ की सच्चाई कहां, अब किताबें किसी दरिया में बहा दी जाए। किताबों से निकलना पड़ेगा, अब ये फजूल गुफ्तगू छोड़नी पड़ेगी। जब दोनों तरफ मोहब्बत है तो फिर क्यों नहीं दिल मिलते। सरदार जी किताबां बहाओ ना, मैनू दे दो, मेरे बच्चे दे काम आएंगे। इस तरह का आदमी तंदूर पे खड़े होके कह रहा होता है, यार बीच में तो आग लगी हुई है, रोटी को गर्मी नहीं लगती। ठोको ताली। सिद्धू भाजी आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। वो भाजी है जेड़ा असि दोवां मुल्कां ने रल के कल करतारपुर लांघे की बुनियाद रखी है, ये असि एक नवा इतिहास रचाउण लगे हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो अच्छे काम की खुशी तो होती है। गुरु नानक सरकार ने फरमाया है ना, मंदी कमी नानका जब कद मंदा हो, गिले गोए बालिया तुक तुक धुआं हो। अच्छे काम की हमेशा खुशबू फैल जाती है।
और बुरे काम की बदबू फैली। बहुत अच्छे, वारे वाह। ये जो इमरान खान साहब ने और आपकी हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, इसकी खुशबू से सारी सिख बरादरी मुअत्तर हो गई। इसलिए पूरी दुनिया पे फैला हुआ हर सिख आपका उपहारी है और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत बढ़िया काम किया है, इसका असर पूरी दुनिया में फैल गया है। वो क्या कहते हैं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली से होती है चुहारों से। महाराज इतने बंदा जो ठोको ताली ठोक दो, वो पिछो तेन ठोकांगा तो फिर ठोकेगा। जी वैसे माफ करना है, ताली ठोकने वाली गल नहीं थी, छुहारे नु एडा इजी ना लवो, व्याह छुहारे नहीं हुंदा जी। बंदा बड़ा बात हुई, ऐसे शख्स को बापू कहता ना, जाओ छुहारे लेके आओ, तुम्हारी शादी छुहारों से होनी है। आगे से कहता छुहारों से शादी होनी है तो जो लड़की दिखाई थी वो किधर गई। पाजी सच्ची मुच्ची इनकी शादी का वाकया है जी। गोगा जी आपकी शादी भी होनी है या घर वालों से समझौता ही होना है? पाजी कुड़ी वाले देखना आए थे इनू, एक पास वो वेख गए, एक पास अगले हफ्ते देखना है। तो भाई फिर बाल सुन लो, शादी भी इसकी आधी एक महीने होनी आधी दूसरे महीने। अच्छा सिद्धू भाजी, पिछली दफा भी और इस बार भी हिंदुस्तान में आप पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई है, क्या कहेंगे आप? तो फिर क्या हुआ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सिद्धू का दिल साफ है, दिल में मैल नहीं तो किसी से करो नहीं। हमने पाकिस्तान के साथ करतारपुर के रास्ते से दिल जोड़ा है और अच्छाई के लिए जोड़ा है, मोहब्बत के लिए जोड़ा है, तरक्की के लिए जोड़ा है, फिजा को मुअत्तर करने के लिए जोड़ा है। हमने किसी गलत सोच से ये काम नहीं किया। बाबा जी गुरु नानक सरकार फरमाते हैं, बेगानी मते नानका बइए चोली अड, ते कम दी रख लइए ते बाकी दइए छड। तो हमने आपके साथ जो दिल जोड़ा है, आपके साथ जो बैठे हैं, हमने अच्छे काम का आगाज किया। तो जुनैद जी वी मीन बिजनेस नाउ, हमने फजूल टाइम नहीं जाया करना, हमने दूसरों की बात पे कान नहीं धरनी, हमने साफ सुथरी बात करनी है, साफ सुथरा दिल रखना है और माफी चाहता हूं साफ सुथरा मुंह रखना। भाजी मैं नहीं बिगाड़ा, थोड़ा मेरे पीछे पै गए। तू किसी का की बिगाड़ना है, तू तो आप ही बिगड़े हैं। लो जी जुनैद जी, ये चांदी के सेब मैंने पहली दफा आपके मुल्क में देखे। सिद्धू भाजी डेकोरेशन पीस है। ओ, यानी जितनी डेकोरेशन इसने खराब की है आपने इसके साथ बराबर कर दी है। पता नहीं अपने यार इमरान खान जिसने हमारी उस खास को पूरा किया है जो हमारे गाय रहे थे। वीडियो रिपीट हो रही है, बड़ा छोटा सेगमेंट सी। पहली गल तो सारे पाकिस्तानी भरावां दा भैणां दा जिहड़े भी सानूं देखदे ने प्यार करदे ने, जदों जो गल उन्होंने कही जो उन्होंने प्यार मिलिया है ना सिद्धू साहब नूं, जिहड़ा पाकिस्तान आके इमरान खान साहब तों प्यार मिलिया सीगा, आई थिंक सानूं उस तों वध ही मिल रहा और इन्ने टाइम तों मिल रहा है, लगातार मिल रहा, सानूं रोज़ मिल रहा, तो असीं रोज़ कॉमेंट्स पढ़ते हाँ, सारे घर के कॉमेंट्स पढ़ते, असीं पढ़ पढ़ के इन्ना खुश होंदे हाँ सब तों पहली गल तां, ते दिलों दिलों फील गुड होंदा है कि भाई सानूं कोई बिना जाने, तुसीं लोग सानूं मिले भी नहीं हैगे कदे, सानू कोई बिना जाने साढ़े वास्ते लख दुआवां करता, तो वह सानू इनडायरैक्टली साढ़े तक पहुँचती हैं, तो साडा इतने दिन चंगा होंदा है, तो साड़ी सेहत चंगी रहती है, सानू खुशियां मिलदियां ने। सो एक बहुत वड्डी गल है, किसी बंदे वास्ते दुआ करना कर देनी चाहिए है, हमेशा करनी चाहिए है, तो तुसी लोग सानू इन्ना ज़्यादा प्यार करते हो, इन्ना ज़्यादा प्यार करते हो, उसी उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। पहली गल तो अपार्ट फ्रॉम द वीडियो, यदा वीडियो ना कोई लेना देना नहीं, सब तो पहला असं दिलों तुहाडा थैंक यू करना चाहते हैं। असं वीडियो पाँच बहुत ज़्यादा लेट हो जाने, हर वीक लेट हो जाने, कदें कितने फस जाने, कदें कितने फस जाने, बट स्टिल जो वीडियो पाई दी है तुसी उस हुंगारे नाल सानू इन्ना ज़्यादा वेलकम करते हो, उन्ने ही प्यारे कॉमेंट्स करते हो, कोई भी घटिया गल नहीं, कोई गंदा कॉमेंट नहीं, सिर्फ प्यार वाले कॉमेंट्स करते हो, तो दिलों तुहाडा सब तो पहला तो थैंक यू। तो बाकी वीडियो की गल करिए, वीडियो अमेजिंग, वीडियो ने साडे सेंसिस भी ऑन करते, साडे इमोशंस भी ऑन करते, साडा दिल भी ऑन करते, सब कुछ सानू एकदम जगा के बिठाता। तो जो पाकिस्तान ने
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਰੌਬਦਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਪੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਰਿਲਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਅਟਾਇਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਪੱਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਇੰਗ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਾਇਜ਼ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮੀਏ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮੀਏ, ਕਰਾਚੀ ਘੁੰਮੀਏ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਨਾ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਈ ਗੈਸ ਬਹੁਤ 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 ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੇ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪਰ ਕੌਮੇਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਠੋਕਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਠੋਕਣਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ, ਠੋਕ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।